हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए तो सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाते हैं। इधर मैंने ले ली है 250 ग्राम सोयाबीन की बड़ी। आलू ले लिए हैं, दो कट कर लिए हैं आलू। ये देखिए, यहाँ धुलने के बाद मैंने दो तीन बार पानी से, साफ पानी से धुल लीजिएगा इसको, इसमें झाग निकलता है। तो सोयाबीन की बड़ी अगर हम लोग अच्छे से साफ करके धोएंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें भी झाग जैसा निकलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और गर्म पानी में कभी सोख मत कीजिएगा, पानी सादा ही लीजिएगा, सौगी हो जाती है। इधर टमाटर ले लिया है एक मैंने, दो प्याज और दो लहसुन की कलियाँ, इनका पेस्ट बना लेंगे। इनको रखेंगे साइड में पहले। ये जो बड़ी हैं इनको कर लेते हैं फ्राई। मैंने ले ली कढ़ाई, थोड़ा सा डाल दिया है तेल, दो चम्मच। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो कैमरा ऑफ हो गया था तो तेल डालते समय मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फ्राई कर रहे हैं, इधर हम तब तक क्या कर लेते हैं, अपना पेस्ट बना लेते हैं प्याज लहसुन और टमाटर का। आप अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, मेरे पास अदरक थी नहीं दोस्तों। इधर फ्राई हो गई हैं, बड़ियों को निकाल लेते हैं फ्राई करके। ज़्यादा लाल नहीं करनी, हल्की सा हल्का सुनहरापन हो जाए इनमें, भुन जाए, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तो सब्जी टेस्टी बनती है। ये बढ़िया निकाल, बढ़िया हमने निकाल लिए। उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, हम एक चम्मच तेल लगा लेंगे, डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग डालेंगे। फिर जो पेस्ट हमने पीसा है ना, जो हमने पीस लिया वो, उसको भी इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद इसको भून लेंगे। इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा सारे मसाले हम लोग डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मसाला डालिएगा, अपना मिर्चा जैसे खाएं उतना डालिएगा। इधर धनिया के मैंने थोड़े पत्ते डाल दिए हैं ताकि सब्जी में खुशबू अच्छी आ सके। आलू, सोयाबीन तो फ्राई की थी लेकिन आलू हम लोगों ने फ्राई नहीं किए थे, तो आलू हम मसाले में डाल के पहले थोड़ा सा मिला देंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं मसाले के साथ। दो सेकंड के लिए इसको खूब अच्छे से कोट होने देना, दो से तीन सेकंड के लिए मिला लेना अच्छे से। तो मसाला मिल जाए तो थोड़ा सा लगाएंगे पानी इसमें, जितना आपको चाहिए। चावल दाल रोटी के साथ जैसे आप खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो उस हिसाब से रनी बनाना है इसको थोड़ा। और पकने में भी टाइम लगेगा, करीब 10 मिनट तो लगेंगे, 10-15 मिनट। तो धीमी धीमी आँच में पकने दीजिए। ये हमारी देखिए सब्जी तैयार है। बताइए दोस्तों, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।